Hi berries, welcome back to my vlog. Wow, back to back मैं vlog कर रही हूँ. आपको ये नहीं दिखेगा, ऑफ कोर्स आपको ये संडे और उसके दूसरे संडे दिखेगा, बट यप वी आर व्लॉगिंग बैक टू बैक. हम जा रहे हिल स्टेशन पे, सबसे नज़दीक यहाँ का हिल स्टेशन. आपने ऑफ कोर्स नाम नहीं सुना होगा, इट्स कॉल्ड ईडर, IDAR आई गेस. गूगल कर लेना, यू विल गेट इट. बट इट्स द नियरेस्ट थिंग दैट वी हैव हियर. वी आर गोइंग टू बी डूइंग अ साइट सीइंग, या फिर बाहर जा सकते हैं तो बाहर जाएंगे. फॉर टू डेज आई एम आउट ऑन ए प्रिटी हिल स्टेशन. सो बहुत सारा नेचर मिलेगा, बहुत सारा हीलिंग मिलेगा, और मैं तो हुई. सो आई होप यू एंजॉय, लेट्स गो. मॉर्निंग एयर. Let's go. सफेद दुपट्टा चिकन का. ओ ओ सजनी पहाड़ी कुतरा हमें सर. हाँ ये जो पहाड़ी कुतरा बहुत सर जा जा बाय. मुझे पता है बेरीज, काफ़ी सारे रैंडम शॉट्स लगाए मैंने इसमें, लेकिन इतना खूबसूरत है, एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल, कि सब चीज़ का व्लॉग रखना ज़रूरी था मेरे लिए. मुझे नहीं पता है मैं क्या निकालूँ क्या रखूँ. सो एन्जॉय एवरीथिंग दैट यू सी. आई लव ईडर का बोर्ड था वहाँ पे, देयर इज़ अ कैफ़े, सो आई टुक दैट. ऑफकोर्स जहाँ पे गए हैं वहाँ पे उसका बोर्ड तो लगाना चाहिए, लेना चाहिए. एंड लव फॉर लींबू सोडा. डू यू गाइज लाइक इट टू? लेट मी नो.
हाय वेरीज। ओके मैं तैयार हूँ, जैसा आप देख सकते हैं कंफर्टेबल येट क्लासी एंड डिफरेंट। कलर बहुत ही यूनिक है, आई लाइक डिफरेंट कलर्स, सो मेरे लिए अच्छा है। फाइन, सो हम आए यहाँ पे, दिस इज माय ब्रदर्स हाउस। ओके, और मेरी फिया, आई डोंट नो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरे पापा की बहन, ओके शी इज ऑल्सो हियर यहाँ पे, तो दैट्स शी इज हियर टू, एंड ये उनका घर है। वी स्लेप्ट, बहुत थक गए थे हम वापस आके, सो वी स्लेप्ट वेल, और अभी हम जा रहे हैं ट्रैकिंग जैसा कुछ करने, गढ़ चढ़ने, मतलब ट्रैकिंग ही बोल सकते हैं, और ब्यूटिफुल नेचर होगा, इट विल बी गुड फन और गुड वर्कआउट एज वेल, सो होप यू एन्जॉय, होप आई एन्जॉय टू, एंड या लेट्स गो, लेट्स गो। पेरिस आगे भी बहुत सारे रोड के व्यूज़ आने वाले हैं, बिकॉज इट्स सो ब्यूटिफुल, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप वो ना देख पाए। यू नीड टू एन्जॉय, वर्चुअली तो सही, लेकिन यू नीड टू एन्जॉय दिस ब्यूटी, नेचर बहुत ब्यूटिफुल है यार, इट्स सो ब्यूटिफुल, जस्ट लुक एट दिस। और हमारी गैंग छोटी सी गैंग, ठीक है।
वाह क्या हवा है बेरीज। हवा ही अच्छी नहीं है, एवरीथिंग इज अमेजिंग आउट हियर। फ्रेश एयर और इस ज़रूरत है मेरे जैसे लोगों को जिसको हर रोज़ एक ही जगह पे बैठ के काम करना पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे मेरी डांस क्लास भी एक चार दीवारी के अंदर ही होती है। सो दिस इज हेवन, स्वर्ग। फोटो सेशन चल रहा है। योगा Guys, this is Darbar Gad, जो ruined है पूरा, it's ruins, but look, it still looks so good. Darbar Gad, याद रखना। आ बच्चों, आ बच्चों थी। गाइस यहाँ पे बुलबुले बन सकते हैं, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए था ना मुझे। इतना खराब किया है लोगों ने, शीश। वाओ, रुइंस है लेकिन कितना सुंदर। तो भी नहीं, कितने रूम्स है देखो। गंदा पानी है, देखने की जरूरत नहीं है उसको, बट ये महल हुआ करता था। दैट्स व्हाट आई जस्ट गॉट टू नो। जो रखा होता इसको अच्छी तरह से तो बहुत सही होता। तो रुइन से ऊपर से क्या क्या नामो लिखे हैं, नामो गुजराती हो गया ना, नाम लिखे हैं। वो अभी कहाँ से ऊपर जाने का है? ओहो, पहले आप भूगला बगदियानी वाला से नहीं आ रहा था। और ऊपर जाएंगे बेरीज, क्यों? क्योंकि लाइफ में ऊपर ही जाना होता है। ऐसे ऊपर नहीं, ऊपर डू बेटर। अंदर से के बैट सब कुछ है यहाँ पर।
कितना सुंदर है ना बेरीज, मन करता मैं यहीं बैठी रहूं। तो बेरीज इस जगह को हम ईडरगढ़ भी बोलते हैं, ईडरगढ़ पैलेस, और ये साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में आता है नॉर्थ गुजरात। और ये जगह अपने अरावली रेंज दैट इज़ हिल्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस को लेके फेमस है, उनमें से एक हमने देखा आज। क्या नज़ारा है बेरीज, आई होप यू आर हीलिंग। सुनाई दे रहा है ये झरने का साउंड? लिसन क्लियरली, ओके, इट्स डाउन हियर। बेरीज हम ऑलमोस्ट खो गए थे, ओके, या फिर खो गए हैं खो गए हैं, सब कुछ भूल भूले हैं। हमारे साथ कोई और भी है जो घूम गए? एस्केप रूम, एस्केप महल। वॉइस ओवरलैप होने वाले हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती उसका, बट कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे घूम जाने के बाद? कैसा लग रहा है? अच्छा, मजा आ रहा है। टेन मिनट्स एंड वी आर स्टिल हियर। भूख लगेगी। Finally back. Finally बाहर आवी गया छी हमें। Escape गर्ड escape room नहीं, escape गर्ड किया हमने। खंडेर escape खंडेर ruins escape ruins। Let's go up there. Let's go guys, वहाँ छोटी चीज दिख रही है। हाँ, वो क्या है? प्राचीन महाकाली मंदिर, महाकाली मंदिर, हम वहाँ जा रहे हैं। Let's go। देखो मेरे खतरों के खिलाड़ी पेरेंट्स। फाइनली पहुंची गया शिखर सर कभी। बस अभी
ફોટો પપ્પા પાડે છે. ઓકે બેક. ઊંધા ઊંધા. પાણી પગ પડ્યો. યો આમ જો બે જણ ડેંગે ઉતના ઉતરના તો પડેગા હી. बट यस वी केम बैक फ्रॉम दैट प्लेस. अभी आई गेस हम कहीं और नहीं जा रहे. बट यार ये सौंदर्य देखो. हमेशा याद रखना द क्लाइंब इज डिफिकल्ट बट द व्यू इज ग्रेट. ये मेरी हीलिंग है. ओके लेट मी नो योर हीलिंग इन द कमेंट सेक्शन. व्हाट डू यू डू टू हील. और अभी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा उतरने के लिए. एंड देन आई टॉक. गोल्डन आवर तो ठीक है बेरीज, लेकिन मेरे हिसाब से जब ये स्काई पिंक पर्पल या फिर ऑरेंज हो जाता है ना बहुत सुंदर लगता है. और पिंक मेरा फेवरेट कलर भी है वैसे. सो इट वॉज द सेम टाइम. और देखो कितना खूबसूरत लग रहा है नज़ारा यहाँ से. तो हमने सोचा कि कार को बाजू में रखते हैं और थोड़ा चल के ही जाते हैं नीचे. इतना कम चले थे वैसे हम. बट जस्ट सो ब्यूटिफुल. होप यू आर हीलिंग एट द सेम टाइम एंड नाउ एन्जॉय. डन फॉर द डे. मतलब हम अभी खाने जाएंगे, घर पे जाएंगे, बाद में फिर खाने जाएंगे. देखो खाने के बिना क्या होता है, मैल फंक्शन. लिफ्ट जाइए. मैं दूध नहीं पी रही हूँ. आई एम हैविंग थम्स अप. देखो मैंने लहसुन की चटनी पैक करवा ली बिकॉज आई लव इट. और बहुत मज़ा आया खाने में. दाल बाटी खाई मैं. कितने टाइम बाद दाल बाटी खाई एक्चुअली. अभी हम पान के लिए वेट कर रहे हैं. और मैं पान का नाम सोच के ही मुझे आकाश गुप्ता का स्टैंड अप कॉमेडी याद आ गया. बट हम लोग मीठा पान खा रहे हो. ओके सादा मीठा पान. बट या लव इट, लव द फूड. उठ कर आ तो. ओके बेरीज गुड नाइट. आई एम ऑलरेडी चेंज्ड. नाइट ड्रेस सेम रहता है जब भी बाहर जाती हूँ. बट यस सो मैं ऐसा नहीं सोच रही थी कि ये व्लॉग डिवाइड हो जाएगा व्लॉग 1 और 2 में. लेकिन आज इतना फुटेज मिला है मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको ये
दो व्लॉग्स में डिवाइड करना पड़ेगा. सो आई डोंट नो, हम देखेंगे एडिट करते समय, एडिट करने के टाइम इसको हम दो व्लॉग में डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं. बट इफ़ आई एम डूइंग तो उसके इसके बाद का कल डे टू का सारा दूसरे व्लॉग में आएगा. एंड आई होप यू रियली रियली एंजॉय दिस वन. और नहीं आ रहा है तो उसके बाद तुरंत आपको डे टू का दिखेगा, और आएगा तो फिर दूसरे संडे को देखना. आई डोंट नो, होप यू एंजॉयड. लेकिन जितना भी आपने देखा उतना वॉज वेरी सरीन, वेरी वेरी ब्यूटिफुल एक्चुअली. और जस्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस टाइप ऑफ प्लेसेज एंड डेज. सो या, होप यू एंजॉयड एंड सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. और अगर ये ब्लॉग चालू है तो सी यू टुमारो. बाय बाय, गुड नाइट.